मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर से गैलेंट सरिया के निःशुल्क भोजन वितरण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके संबंध में गैलेंट सरिया के संचालक चंद्रप्रकाश अग्रवाल ने बताया कि कोरोना काल में मुख्यमंत्री के प्रेरणा से निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई थी। उस समय फैक्ट्री के कर्मचारियों द्वारा भोजन बनाया जा रहा था और 1500 व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा था। जब कोरोना खत्म हो गया तो विचार आया कि क्यों ना एक किचन बनाया जाए जिसमें गुणवत्ता के साथ भोजन बने और गरीब तबके के लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध हो सके, जो कि एक वक्त का भी भोजन नहीं जुटा पाते हैं। जिसको देखते हुए प्रयास किया गया और 2 करोड़ की लागत से एक ऑटोमेटिक बेस किचन और बिल्डिंग तैयार की गई है। इसके साथ एक वैन को तैयार किया गया है जो कि प्रतिदिन 1000 व्यक्तियों को प्रतिदिन निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा, शुरू में गोरखनाथ अस्पताल, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, एम्स पर लगभग 2-2 घंटे के लिए वैन जाएगी और ज़रूरतमंद को भोजन उपलब्ध करवाएगी और जो सामग्री है उसको कलेक्ट करके वैन में रख कर वापस आ जाएगी, जिससे कि गंदगी ना फैले। अभी एक वाहन को तैयार किया गया है, भविष्य में आवश्यकता अनुसार वैन की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गैलेंट सरिया के संचालक चंद्र प्रकाश अग्रवाल ने कहा, अरे नहीं वो करवा पर चिपक रहा था सारे गाड़ियों पर। महाराज इधर थोड़ा सा पीछे, थोड़ा पीछे दरअसल कोरोना काल में महाराज जी की प्रेरणा से गैलन ग्रुप द्वारा लॉकडाउन के दौरान ये भोजन व्यवस्था की गई थी। तो हमारे फैक्ट्री के कर्मचारियों के द्वारा भोजन बनाया जा रहा था और 1,500 आदमियों को उस समय भी हम लोगों ने सर्व किया। तो उसको करने के बाद ये विचार मन में आया कि अगर एक ऑटोमेटिक बेस किचन बढ़िया बनाया जाए जिसमें कि गुणवत्ता के साथ भोजन बने और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे, तो उस दृष्टि से प्रयास किया गया। तो लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से एक ऑटोमेटिक बेस किचन और बिल्डिंग तैयार की गई है फैक्ट्री कैंपस में गैलेंट के, और वहां से एक वैन ये तैयार की गई है जिससे अभी फ़िलहाल 1000 व्यक्तियों को प्रतिदिन मुफ्त भोजन वितरित करने की व्यवस्था है। शुरू में ऐसी योजना है कि गोरखनाथ चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज, एम्स, एक एक 2-2 घंटे के लिए हर जगह ये वैन जाएगी, भोजन कराएगी और जितना भी उसका वेस्ट मटेरियल है कलेक्ट करके, ताकि कोई गंदगी ना फैले, वापस वैन में रखेगी और उसको प्रॉपरली साइंटिफिक तरीके से डिस्पोज ऑफ करेगी। अभी एक वैन संचालित हुई है, इसको प्रयोग के तौर पे किया गया है और ये 1000 वो लोगों का भोजन कैरी करके डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सक्षम है। भविष्य में यदि आवश्यकता समझ में आई और ईश्वर ने मौका दिया, सामर्थ्य दिया, तो इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी।